लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए, सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, बौद्ध जो साहित्य है लिखा गया कौन सी भाषा में लिखा गया, आपको कमेंट करना है। तो याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक भी कहते हैं। त्रिपिटक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका विनय पिटक है ना, कौन कौन सा? विनय पिटक है, और शुद्ध पिटक है, और अभिधम्म है पिटक, यानी तीन प्रकार के पिटक हैं। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, भाषा की बात करेंगे पाली भाषा में। हाँ, पाली भाषा में देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में रेगिस्तान है लिखा हुआ का कोई संकेत नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका संकेत नहीं मिलता है? तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सरसों, जौ और तिल है ना, ये इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा ना, गन्ना, गन्ना जो कि एक साल में आपका ये तैयार होता है, 12 महीने में तैयार होता है आपका गन्ने की जो खेती होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, गन्ना जो है इसका संकेत नहीं मिलता है, बाकी सबका मिलता है ना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था किसके द्वारा तैयार किया गया था? ताजमहल का जो डिजाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था आपका उस्ताद ईसा द्वारा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका दूसरे नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, तीन नंबर का आ रहा है जवाब सभी का। हाँ, उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था, शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ये 22 साल लगे थे बनने में और 9 करोड़ की लागत से बना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? अब रेलवे की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा लाल डलहौजी है ना, लाल डलहौजी चेक कर लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है, आंसर जाएगा बी के साथ। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था है ना? ग्वालियर में विद्रोह जो किया किया था ना, वो किया था आपका तात्या टोपे, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। यहां से हमारे प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू हैं। चलिए कमेंट करिए, पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर देखिए, 6 नंबर का जवाब देना है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? 6 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस है ना, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर दूसरे नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे है ना? बताइए, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे? 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर पहला होगा, राजा मोहन राय, राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। वह एकमात्र वायस राय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 8 नंबर का जवाब देना है, वह एकमात्र वायस राय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो यहाँ पर जवाब आ रहा है जिनका भी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। उन्नीस सौ 24 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आसान प्रश्न है और ये किया गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन बताइए कब शुरू हुआ था? 10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत आपकी हुई थी ये आपकी 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के साथ हुआ, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भूगोल के यहाँ प्रश्न स्टार्ट है, पूछा गया वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा कहते हैं, आंसर आपका पहला विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? अगर हम सबसे बड़ा नदी मुहाना की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी का जो मुहाना है, ये आपका सबसे बड़ा नदी मुहाना है, याद रखिएगा। 12 नंबर का आपका दूसरा विकल्प आपका सही है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर देखिए, 13 नंबर का जवाब देना है,
बारदोलो या अंतर्राष्ट्रीय अड्डा की अगर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, लोकप्रिय गोपीनाथ, ये आपका गुवाहाटी में, याद रखिए गुवाहाटी, असम में एक शहर पड़ता है गुवाहाटी, है ना, असम की वैसे राजधानी दिसपुर है, तो वहीं पर है, याद रखिएगा, आंसर जाएगा। और आप कहेंगे गोपी, ये जो आपका नाम रखा गया है ना गोपीनाथ, हाँ गोपीनाथ, ये जो बरदोलोई लिखा गया है, ये आपके असम के क्या थे ना, प्रथम मुख्यमंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो कह सकते हैं असम के पहले मुख्यमंत्री भी थे आपके और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कौन सी नदी बंगाल के शोक से नाम, बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती, कई बार बताया है, ये आपकी है, आंसर जाएगा यहाँ पर, बताया जा रहा है सी नंबर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो 15 का आंसर आपका यहाँ पर विशाखापट्टनम वाला आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, अर्थव्यवस्था से यहाँ प्रश्न लिए गए हैं, समावेशी विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, चलिए 16 नंबर का कमेंट करिए, समावेशी विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, आंसर हमारे बीच आ गया, कह रहे हैं 11वीं। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना हमें लग नहीं लग रहा, किसी को सबको पता ही होगा, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना तो आपके 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, 11वीं जो आपकी चली थी वो आपकी चली थी 2007 से लेकर 12 तक चली थी, याद रखिएगा, कई बार इसका डेट भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न बताइए, भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, है ना, कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, आंसर आपका होगा दूसरी, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1956 से लेकर 1961 तक चली थी ना, यहाँ पर इसी में आपके इंडस्ट्री वगैरह योजना, इसी में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, ये भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है ये आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान आपकी होती है, 51 से लेकर 56 तक तो आपकी पहली चलती है, दूसरी चलती है 56 से लेकर 61 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ ऊर्जा दक्षता सेवा सीमित द्वारा दायित्व लिए गए उजाला योजना में जे का क्या अर्थ होता है, नहीं जे का देखिए पूछा गया आंसर क्या होगा, 18 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है और बताया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जे होती। 3 तेंदुलकर समिति का गठन किसके लिए किया गया था, तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गरीबी को मापने के लिए, गरीबी को मापने के लिए किया गया था, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका तीसरे नंबर के साथ, ये 2009 में किया गया था गरीबी को मापने के लिए, जो इसका गठन है ना ये आपका 2009 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, बताइए किस शहर में है, तो ये आपका है आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर पहले के साथ भारत, हाँ मुंबई बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, 19 का यहाँ पर 20 नंबर का आपका पहला ही विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए भारतीय संविधान से यहाँ पर प्रश्न लिए गए, आपको बताना है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है किस देश से लिया गया है, समानता का अधिकार जो आपका लिया गया है, वैसे भी मूल अधिकार आप लोग पढ़ते ही 12 से 35 है, भाग नंबर 3 यूएसए से लिया गया है, और आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर पहला बताया जा रहा है ये अमेरिका से लिया गया, जो कि आंसर आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया, ये भी प्रश्न ने कई बार कराया है, 330 में अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में SC ST के लिए, है ना, स्थान के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आंसर क्या होगा, पहला ही आपका सही होगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान के बारे में है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वे थे, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर का आपको कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो 23 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका तीसरा विकल्प आ रहा है, विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित, ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया था प्रश्न में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था वे थे, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे आपके, आंसर जाएगा तीसरे नंबर के साथ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा, ये आपका बताया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 24 में बताया गया है, 24 नंबर ये कहता है कि 14 वर्ष से अगर कम आयु के कोई भी बालक है अगर इसके कारखाने में काम करने के लिए अगर नियोजित नहीं किया जाएगा, अगर करेंगे तो फिर आप जानते ही हैं क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला आपका सही है। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का जो प्रावधान है कहाँ पर लागू किया गया था, 25 नंबर का आपको बताना है,
ये जो आपका लागू किया गया था एमपी में, मध्य प्रदेश में, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपके यहाँ पर डी नंबर के साथ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान के प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, पानी के बिना कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वो कैसे कर पाता है, ऐसा वो क्यों कर पाता है, कैसे कर पाता है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। और आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है वो अपने यहाँ पर ककूद यानी कूबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, है ना। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर आपका है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दिशा, है ना, दिशा। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्ति गति कहते हैं, सभी को पता है। और यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को हम समरूप या एक समान वृत्ति गति कहते हैं, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर, देखिए जब वृत्ति गति में क्या होता है ना, जब त्वरित तो होती है तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। अगला प्रश्न बताइए, 28 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए कार्य बराबर आपने देखा ही होगा mgh, है ना, गुरुत्वाकर्षण लगा दिया गया है तो mgh, बस फार्मूला आपको लगा देना है, सिंपल सा प्रश्न है। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ गया है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर का जवाब जो आपका होगा ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ही विकल्प हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा mgh, यानी 20 × 10 जी 10 रखिए 200 और इसका डबल 400 आएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन आपका है ना वो आपका विटामिन डी है, विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, 29 किसका होता है आपको बताना है, तो ये आपका किस में आएगा, ये डी ब्लॉक में आता है, कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आपका आएगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए 36 नंबर देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया है भैंस शब्द का अन्यलिंग क्या होगा, भैंस भैंस का देखिए पूछा गया है, तो देखिए भैंस स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या होगा, भैंसा होगा, है ना, पहला ही विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों का चयन करिए, यहाँ पर देखिए विलोम शब्दों का देखिए चयन करना है, पूछा गया है एक देसी का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, एक देसी का विलोम यहाँ पर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर्वदेशीय, एक दिशा की तरफ देखना, और सर्वदेशीय का मतलब होता है सभी दिशाओं में देखना। जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए आपका आंसर यहाँ पर कर्मठ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रीस में कौन संधि है, ग्रीस की अगर हम बात करते हैं, है ना, ग्रीस में संधि कौन सी है, चलिए यहाँ पर बताइए 39 नंबर का देखिए कमेंट करना है, ग्रीस में संधि कौन सी है, तो ग्रीस में जो संधि आपकी होगी ना यहाँ पर आंसर जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो देखिए 40 नंबर का जवाब यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर तीसरे के साथ। यहां से देखिए प्रश्न आपके स्टार्ट है करंट अफेयर्स के, पूछा गया है किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है, 51 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा किया है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहां पे आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। भारत ने मई 2023 में किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पर हस्ताक्षर किया है, 52 का आंसर क्या होगा, तो ये जो आपका किया है ना ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है भारत ने, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बिरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने हुए हैं, ना बताइए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर बताया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा किया है, एक नया जो आपका है
दूतावास निर्माण करने की जो घोषणा किया है, 54 का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ब्रिस ब्रेन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में कितने % की वृद्धि यहाँ पर प्राप्त किया है, 55 नंबर में आपको बताना है। तो पिछले 9 वर्षों की अगर हम बात करेंगे तो भारत जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 47%, कितना है, 47%। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लीजिए बफरिंग हो रही है क्या। वैसे तो यहाँ पर वाईफाई से चल रहा है क्लास आपका, है ना, डाटा अनलिमिटेड ही रहता है, फिर भी कोई अगर समस्या हो रही है तो टेक्निकल इशू हो सकता है, बाकी यहाँ से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बफरिंग हो सकता है, बफरिंग हो रही होगी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में किस एकमात्र भारतीय कंपनी को 20वां स्थान मिला है, 56 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन जाएगा टाटा के साथ, ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ। किसने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, 57 का जवाब क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आर दिनेश, 57 का आंसर आपका यहाँ पर होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं, किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो इनका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार, है ना, बिहार के। चलिए यहाँ पर बताइए, XPOSAT भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है ना, पैरा मेटा काउंसलिंग, बताइए किसके द्वारा बनाया जा रहा है, 59 नंबर में बताया जा रहा है आंसर, हमारे बीच आ चुका है, 3रा नंबर बता रहे इसरो के द्वारा, बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर आंसर जिनका भी इसरो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, चीन ने किस देश को हराकर सुदीरमन कप 2023 जीता है, 60 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर यहाँ पर आपका जाएगा तीसरा, दक्षिण कोरिया। यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले यहाँ पर प्रथम भारतीय कौन थे, देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आंसर यहाँ पर आपका आंसर जाएगा अजीत बजाज, याद रखिएगा अजीत बजाज यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के तहत जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है, 62 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 62 नंबर का बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 370 का फर्स्ट डी, बिल्कुल सही जवाब है। कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं, बताइए 63 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, बताया जा रहा नागर होल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में पड़ता है, ये विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, बताइए द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की जो रचना किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, आंसर जाएगा डेविड आई विसे, बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, भारत का कुल कितना है आपको बताना है, हाँ यहाँ पर होगा आपका 21 दशमलव, बताया जा रहा है 65 नंबर का तीसरा, हाँ बिल्कुल सही है 65 नंबर का आपका तीसरा नंबर आपका सही है। भारत रत्न और पद्म श्री पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो भारत रत्न की बात करें पद्म श्री की बात करें ये जो प्रारंभ आपका किया गया था आंसर जाएगा 1954 से, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 1954 से आपका प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ। कर्नाटक के हम्पी में स्थित मंदिर जो है स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, चलिए 67 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा विट्ठल, विकल्प नंबर आपका तीसरा वाला सही है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है, 68 नंबर का आंसर यहाँ पर होगा विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश की है, बताइए
69 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, कह रहे मालदीव की है, सार की जो पहली महिला महासचिव है ना वो मालदीव की है ना, उनका नाम क्या है, फातिमा धियाना सईद जोक मालदीव की राजनयिक है ना, यहाँ पर आंसर आपका पहली महासचिव आपकी थी आपकी ये। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है, 70 नंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा बताया जा रहा है, गैम बुसिया फिश है ना, इसका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका राइट है। तो देखिए पहले नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, है ना, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब क्या होगा। पहले नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे भी दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं ए नंबर है, कुषाण शासकों ने, है ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है ना पहला नंबर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था, बहुत बार करा चुके हैं, दिल्ली को जो सल्तनत की जो राजधानी बनाया था ना ये बनाया था आपका इल्तुतमिश ने बनाया था, सेकेंड नंबर का जवाब यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुपले ने किया था, वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था, प्रथम भारतीय राज्य पूछा गया कौन सा था, यहाँ पर आपको कमेंट करना है और कमेंट हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, क्वेश्चन नंबर तीन का बताया जा रहा है, हैदराबाद, हैदराबाद जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी की डांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है, आसान प्रश्न है, चार नंबर बताइए, गांधी जी की डांडी यात्रा सभी को पता है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है, गांधी जी ने डांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी, कब प्रारंभ किया था, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था, और 6 अप्रैल को ये आपकी क्या थी खत्म हो जाती, उसी समय आपका क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है ना, 6 अप्रैल 1930 को, हाँ बिल्कुल सही है, नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 5 नंबर में देखिए कमेंट करना है, और 5 नंबर का जवाब आ चुका है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, आंसर जाएगा सी के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, और 6 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, है ना बिल्कुल सही है, भारतीय उपद्रव का पिता जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन हुए, है ना, अब्दुल गफार खान, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। देखिए 1930 में अब्दुल गफार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए, और इसी समय आपने देखा था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, और खान जो अब्दुल गफार खान है ना पेशावर में इसका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। चलिए 8 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, 1906 में हुए 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था, चलिए 8 नंबर का देखिए कमेंट कर दीजिए क्या होगा, 8 नंबर का बहुत लोग कमेंट आ चुका है, अब बहुत लोग नहीं किए हैं, सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा। देखिए 1906 में असम में 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का प्रमुख कारण यही था, औपनिवेशिक वन कानून थे, है ना, आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था, इससे आसान प्रश्न की उम्मीद क्या कर सकते हैं, है ना, कितना आसान प्रश्न है, 1925, है ना, डकैती थी ये, ट्रेन डकैती जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, बहुत बार करा चुके हैं, और ये था आपका गुजरात में पड़ता है ना, आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, हमारे सौर मंडल की आकाश गंगा जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं, है ना, मिल्क वे,
का आकार कैसा है? 11 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से पूछा गया है आपसे सुमेलित है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए कौन सुमेलित नहीं है आपको कमेंट करना है, सुमेलित कौन सा नहीं है। 12 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है, ब्राजील धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम, अगुल हास। आंसर जाएगा विकल्प नंबर, देखिए कनारी धारा जो है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर की है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, तो इसलिए आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी वाला। इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ कौन नहीं करता है, तो आप कहेंगे मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, असम भी करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता है। मणिपुर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी लोग, टाइम से आ जाया करिए, खाना ना खा के आया करिए आराम से, है ना, सभी लोग टाइम से आ जाया करिए, क्लास आपका टाइम सभी को पता है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 14 नंबर बताइए, 14 नंबर कह रहे हैं वलित पर्वत, क्या बात है, क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत जवाब आ गया, इसका मतलब तैयारी सही चल रही है। अगला प्रश्न बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर को ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा। ये दोस्तों 180 देशांतर रेखा है, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश है ना, तृतीय क्षेत्र का अंश क्या है? घटता है, घटता है, या फिर बढ़ता है, या बढ़ता है, या स्थिर रहता है? 16 नंबर का जवाब होगा आपका बढ़ता है, क्या होगा? बढ़ता है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत होती है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, और उम्मीद है 17 नंबर का जवाब सभी लोग देंगे। कह रहे हैं कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। इनमें से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है, तो आप कहेंगे आय की विषमता, आय की विषमता सही होगा। यदि फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। हेलो सर, हेलो भैया, हेलो, हाँ कमेंट करिए, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, है ना, क्या बात है, कठिन क्वेश्चन है क्या? ज़्यादा कठिन हो तो बता सकते हैं, आसान ले आएंगे कल से, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगा, कमेंट करने में दिक्कत क्या हो रही है। अगला बताइए, परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है, ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए, 20 का आंसर क्या होगा? 20 नंबर का काफ़ी लोगों का जवाब आ भी गया है, करे ये नंबर होगा, हाँ कुल उत्पाद, बिल्कुल सही है, कुल उत्पाद परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है, आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछा गया है, 21 नंबर, 21 नंबर का सही क्रम क्या होगा? हाँ कह रहे हैं सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, आंसर जाएगा ए के साथ, 3142, हाँ बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की है ना, भारतीय संविधान की संवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? 22 नंबर का जवाब देना है, और ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, आंसर जाएगा बी के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? बहुत बार बताया है, 23 नंबर का आंसर होगा आर्टिकल नंबर 32, 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, संवैधानिक उपचारों का है, 12 से 35 आप लोगों ने पढ़ा है, भाग नंबर 3 मूल अधिकार है, 12 से 35 अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ना संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? 24 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, संविधान में कहीं भी नहीं, संविधान में कहीं भी नहीं आपका संघी शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, तो आप कहेंगे ये तो 1956 में किया गया था, है ना, 1956 सही है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है? है ना, 26 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है? 26 का आंसर हमारे बीच आ चुका है,
कह रहे ए नंबर होगा भौतिक परिवर्तन, है ना, बिल्कुल सही है। बल्ब का जलना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, कैसा रक्त प्राप्त करता है, तो आप कहेंगे ये तो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, इम्प्योर अशुद्ध। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, द्रव चालित जो लिफ्ट है ना ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको जवाब देना है। और आंसर हमारे बीच आ चुका है, पास्कल का सिद्धांत, 28 नंबर का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है, कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है, तो 29 का आंसर आपको होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। पेंसिलिन निम्न में से किसे प्राप्त किया जाता है, 30 नंबर का जवाब क्या होगा, पेंसिलिन निम्न में से किसे प्राप्त किया जाता है, आंसर आपका होगा कवक। दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरार्थक शब्द का चयन करना है, हर्ष का विपरार्थक क्या होगा, हर्ष का विपरार्थक क्या होगा, 36 का आंसर बताइए, यहां पर आपका विषाद हो जाएगा, 36 का बी। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, 37 नंबर आंसर आपका जाएगा जिगीसा, 37 का डी होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 38 नंबर का बताइए, तो 38 का आंसर क्या होगा, हाँ देखिए देव देवी मामा मामी गधा गधी तो आपको लग ही रहा है, कांत कांति हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से बताइए कौन सा शब्द आपका सही है, 39 में बताना है कौन सा सही है, तो आप कहेंगे 39 में सही कौन सा है, तो आपका जो स्वतंत्र लिखा हुआ है ना यही वाला आपका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आ रहा है सभी का, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बीजक बीजक की बात हो रही है, और बीजक आप जानते ही है कबीर जी की है। यहाँ से प्रश्न आपके स्टार्ट हैं, करंट अफेयर्स के स्टार्ट हैं, लेटेस्ट प्रश्न स्टार्ट हैं, अपडेटेड प्रश्न स्टार्ट हैं। चलिए कमेंट करिए, किस देश की महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल दक्षिण कोरिया को हराकर अपना पहला खिताब जीता, 51 नंबर का कमेंट करिए क्या होगा। और बताया जा रहा है यहाँ पर भारत, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब पहली बार जीता है, दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया, किस मैदान पर खेला गया, आपको कमेंट करना है 52 नंबर का। और 52 का आंसर बताया जा रहा है बी नंबर, द ओवल में खेला गया, 52 का बी देख लीजिए सभी का रहा है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की, 53 का आंसर क्या होगा, और 53 का जवाब हो जाएगा केरल ने। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, बताइए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। चलिए आंसर आ चुका है, है ना, और भी आंसर करते रहिए, सभी लोग करते रहिए। यहाँ पर बताइए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, 54 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, भारत में। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता है, यह इस खिलाड़ी का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, आंसर बताइए 55 क्या होगा, तो 55 का जवाब आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता, यह इस खिलाड़ी का 4था ग्रैंड स्लैम खिताब है, आंसर क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा इगा स्वीटेक, इगा स्वीटेक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया, 15वीं नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू, जो मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाली हैं, और 57 का आंसर हमारे बीच दिया जा रहा है सूरीनाम, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, बिहार के भागलपुर में लगभग 1711 करोड़ की लागत से बना आगवानी घाट पुल गिर गया, बताओ 1711 करोड़ रुपए कितना होता है, है ना, इस पुल का निर्माण करने वाली कौन सी कंपनी ने किया था, देखिए कंपनी का नाम आ गया है, और कंपनी का नाम याद रखिएगा, कंपनी कौन सी थी आपकी, SP सिंगला कंपनी, SP सिंगला कंपनी ने 1711 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया था, आगवानी घाट पुल गिर गया, यहाँ पर आंसर क्या होगा सी नंबर होगा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV Empress को किस देश के लिए रवाना किया गया है, किस देश के लिए किया गया, आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, आंसर आपका आ चुका है अजय बंगा, बिल्कुल सही है। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, आसान प्रश्न है 61 नंबर, और 61 नंबर का आपको कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा, और उम्मीद है यहाँ पर जवाब सभी का सही आएगा, 61 का बताया जा रहा है ना, क्या बताया जा रहा है देख ले रहे हैं कमेंट, सी नंबर कह रहे हैं, हाँ सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र, अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो 62 का आंसर आपका जाएगा सी के साथ, 21 सितंबर को।
इनमें से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए है ना, हाँ खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। मानते हैं नेट इशू है, इस समय सर्वर बहुत खराब चल रहा है ना, तो अब क्या किया जाए, क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न बताइए, स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 64 का आंसर क्या होगा, ये पुस्तक जो लिखी गई है आपके एस माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई है। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है, 65 नंबर बताइए, तो 65 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बास्केटबॉल से है ना, बास्केटबॉल है। इनमें से बताइए लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है, सही अनुक्रम कौन सा है, 66 नंबर, और 66 का आंसर हमारे बीच आ चुका है सी नंबर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, त्रिपोली, आकरा और नैरोबी है ना। ऑप्शन देख लीजिए, सभी का आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताइए किसका मिलान सही नहीं है, 67 नंबर में बताना है किसका मिलान सही नहीं है। सड़सठ नंबर का बताइए, उत्तर कोरिया, सियोल है ना, यही वाला नहीं है। मोढ़ेरा में एक प्रसिद्ध क्या है, 68 नंबर बताइए, हाँ एक सूर्य मंदिर है, क्या है, सूर्य मंदिर है। 68 नंबर क्या होगा, मोढ़ेरा गुजरात में है, ये मोढ़ेरा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में है, और यहाँ पर सूर्य मंदिर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, जीएसटी किस प्रकार का कर है बताइए, 69 नंबर बताइए, अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल किया है, तो ये किया है आपका ब्राजील ने, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ, ब्राजील यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।